इंग्लिश नहीं आई थी ना, सुबह दिख रहे क्या? वाह, मारेगा इसका पति। जूस का भी जूस निकल गया। पानी पानी, चीकू गिर जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया? चोरी का ब्याह है। तेजी से बारिश आ गई। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। Homie, close till I get up. Time is barely on our side. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत होगी छिपकन से और हम इसको दे रहे हैं एक मज़ेदार बात। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अरे घर में इतने लापरवाह लोग हैं कि चीकू को आज भी स्कूल भेजने में लेट हो गए। और फिर क्या हुआ वो पायल बताइए। मैं तो देखो उधर सो रही थी तो मेरा फ़ोन मेरे पास था नहीं, मैंने अलार्म तो लगाया था, मेरा फ़ोन नहीं था। गोलू आए मेरे पास 7:15 बजे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊं, ये भी नहीं बताया 7:15 सिर्फ ऐसे करके। मैं बताती हूँ, पायल ना सो रही आपके साथ, मुझे वो भी लग रहा आप साथ में सो रहे हो। मैं बता नहीं सकती मैं पायल को ऐसे किया। टाइम हो गया पायल बाहर आई। जैसे ही पायल बाहर आई, मेरे पायल 7:15 आए। पायल ने फिर मुझे बोला गोलू क्या करती है, बट पायल ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ बोलती तो मैं बोलती एक दिन पहले तूने भी किया था। फिर ना मैंने कही और मैं ना चीकू को भेजना है। मैंने मैम को कॉल किया, मैंने कहा हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कह रही वेरी गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट हैपन। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे, फिर मैंने इंग्लिश हिंदी में बोला, इंग्लिश नहीं आई थी ना सुबह। मैंने कहा मैम मैंने अलार्म लगाया था इतने बजे का, तो मेरी ना आँख नहीं खुली और ऐसे ऐसे हो गया। तो मैम कह रही कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं चीकू को स्कूल भेज दूँ। मैम कहती भेज दो, इट्स ओके, आगे से मत करना। मैंने कहा ओके। फिर मैंने पायल को बोला, मेरे पायल मैम कह रही चीकू को स्कूल भेज दो। फिर चीकू को मैंने गोदी उठाया, सीधा शावर में नहलाया, पायल ने खाना बनाया, 10 मिनट में चीकू घर से बाहर। तो ये था वो एक्सपीरियंस। बाकी चीकू बताएगा। चीकू क्या हुआ था तेरे साथ सुबह सुबह? पापा सोते सोते नींद खराब, नींद खराब कर दी तेरी। ओहो, तो एक काम करूँ, नाइट का स्कूल करवा दूँ? नाइट का नहीं। और अच्छा एक और बात है, जैसे चीकू ना सोता है ना, मैं उसको ऐसे उठाती हूँ, चीकू सुबह स्कूल होगी बेटी, खड़ी हो जाओ, गुड मॉर्निंग। आज क्या हुआ, चीकू सो रहा, तो मैंने क्या किया, डेमो देती हूँ। जैसे चीकू सो रहा ऐसे है, तो मैंने चीकू को सीधा उठाया, उठाने के बाद ना सीधा बाथरूम में ले गई और पानी ऑन करा। कह रहा मुझे ऐसे बोलता, कह रहा मम्मा हुआ क्या? मैंने कहा लेट हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, अभी निकलते हैं जिम के लिए। और रास्ते से मुझे अपने शादी के वस्त्र भी उठाने हैं, वो भी देख लूंगा, उनकी भी फिटिंग चेक कर लूंगा। पाल आ जा, लेट हो रहे हैं। तो जो हमारी किचन है ना, वहाँ पे गैलरी है और वहाँ पे ये बैग रख देते हैं जिम का। और देखो कबूतरों ने क्या हाल किया है, ये साफ करेंगे कृतिका मलिक अभी कर। तो आज भी मतलब चीकू स्कूल जाने से बच गया। और जो ये बंदा आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इसने ये बोला कि रहने दो ना भाभी, एक दिन छुट्टी और हो जाएगी तो क्या होता है भाई। मैं सुबह सुबह कह रही मेरे के भाई, मैं घबरा गई, मैं कह भैया उठो फटाफट उठो, लेट हो रहा चीकू को। मुझे कह रही भाभी रहने दो ना, कोई बात नहीं नींद में। भैया इसकी ना कैब लगा लो, ड्रेस आ जाएगी फिर लगाएंगे इसके। तो हमारी पायल मैडम है, वो फुल खूबसूरत लग रही है। मैं आपको थोड़ा सा उनका चेहरा दिखा देता हूँ, क्योंकि जिम में आज वो वीडियो बनाने वाले हैं। क्या बात है पायल, फुल फिट। हल्का सा मेकअप किया मैंने, भारी कर लेती दिख रहे क्या? हाँ दिख रहे। पायल तू नहा धो के कह रही, तू जिम से आ जाएगी ना, फिर नहा धो के ना चलियो मंदिर चलते हैं कार्ड देने के लिए। उसके बाद चीकू की मैम, स्कूल वाली, ट्यूशन वाली मैम, जो भी यहाँ के गेस्ट है सबको देते हैं कार्ड। तो सोफे बहुत ही जबरदस्त तरीके से चमक गए हैं, देख रहे हो, फुल चमक गए, नए नए हो गए, नोने नोने। वो टी शर्ट अच्छी तो लग रही थी? नहीं वो थोड़ी छोटी थी, मुझे लंबी चाहिए। अब ये सही है, पतली हो रही है, गर्मी है ना बाहर। गोलू और पायल को ना जिम ले जाना ना, मतलब ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या बोल दिया, लेट पे लेट। पर इनको बोल दो ना शॉपिंग जाना, 5 मिनट में रेडी हो जाएंगी। बोल दो ना सैलून जाना, उससे पहले रेडी हो जाएंगी। अब पिछले आधे घंटे से मैं यहीं बैठा हूँ और ये अब जा रही है। मैं गेट पे खड़ी हूँ आधे घंटे। झूठ मत बोल, आपका फोन। थैंक यू। मुझे ऊंचाइयों पर देख के हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं। तो आज ना मुझे लगता है टाइम निकालना पड़ेगा, जो हमारी ये गाड़ी इसका ना बैक कैमरा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत लंबी है, बैक करते हुए दिक्कत होती है, कुछ दिखता नहीं है पीछे। तो वर्कआउट हो गया, डन, प्रोटीन हमने पी लिया है, तो अभी निकलते हैं घर के लिए। तो जिम से निकल के बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ KFC लेने चीकू के पापा और मेरे लिए, जो बचेगा चीकू के लिए भी ले आऊंगी। तो यार KFC आ गई है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, निपटा देते हैं फटाक से। मैं लाई हूँ बोनलेस स्ट्रिप्स। तो मैं सुबह सुबह सिर्फ फ्रूट खा के आया था, और मुझे लगता है पाल ने तो वो भी नहीं खाया। जरा नहीं फ्रूट्स नहीं, मैंने सुबह उठ के ना जब चीकू को भेजा था एक रोटी खाई थी। माशाल्लाह। हमारी गाड़ी में आ गई कृतिका मलिक, हमारे लिए लेके आई है जूस। तो हमें निकलना है अभी किसी काम के लिए, इसी हालत में मतलब हम घर भी नहीं पहुँचे,
तो जूस पिलाओ पायल मैडम को। ये ले पायल। तो हम लोग काफी देर से यहाँ इस गली में फंसे हुए हैं और पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हुआ था। हमने अपनी गाड़ी जो है अभी साइड पे करी है, तब जाके जो ट्रैफिक जाम है वो खुला है। तो गोलू जी यहाँ पे बैठ के अपना कुछ यूट्यूब पे देख रही है और सिर्फ एक गाड़ी यानी कि मेरी गाड़ी साइड होने से सारा जाम खुल गया। मतलब गुनहगार मैं नहीं हूँ, मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए साइड में लगा ली गाड़ी और सबको यहाँ से रास्ता दे दिया। तो भैया बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी पहुँचा हूँ घर और एक पीऊँगा ज़बरदस्त सी लस्सी। और फ़ोन किसका आ गया? फ़ोन आ गया पायल का। तो अभी मैंने चिपकन के लिए बनाई है एक ज़बरदस्त सी जगह, ये वाली। यहाँ से धूप आएगी और ये कहीं नहीं जा पाएगा यहाँ के अलावा, और इसको धूप भी मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा इसको वाटर का छिड़काव कर दें और इसको अच्छा भी लग रहा है पूरा। तो चिपकन फुल खुश है और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। और इससे ना क्या होगा ना, ये ऊपर भी नहीं जाएगा इधर उधर कहीं, यहीं पे स्टॉप हो गया इसका। तो अपनी ज़बरदस्त सी लस्सी आ गई, और गर्मी में जितनी लस्सी पियोगे ना उतनी त्वचा, स्किन, बॉडी और पाचन क्रिया ज़बरदस्त रहेगी और बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी। तो उस टाइम चीकू के पापा का जो जूस है ना वो खराब हो गया था, इसलिए दोबारा मंगाया। हाँ मेरे बच्चे नींद में आए, कह रहे मम्मी जब नदी आएगी ना तब उठाना सीधा, मैं ऐसे रखूं मुझे। चलो फिर ज्यादा लेट मत करो, मैं फिर रेडी हूं बच्चा लेके। चले बेटा चीकू। तो वैसे गुड्डू आपको सलूट है बहुत बड़ा, मतलब चीकू ना इसको दोपहर रात कभी भी अगर सुलाना हो ना तो 2 मिनट नहीं, आप 15 मिनट के लिए चीकू पापा के पास छोड़ दो, ये झट से सुला देते हैं। और हमसे सुलाने में इसको लगते हैं 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे और मेरे साथ तो 3-3.5 घंटे के ऊपर ही। तो ये अभी सो के आया है इसलिए हम अब जा रहे हैं इसे घुमाने, और इसकी चॉइस रहती है हमेशा नदी पे जाने की, नदी पे जाने की। तो ये हफ्ते में 2 बार तो जाता है लग रहा है ना। शांति को नया नाइट छूट दिया। चलो शांति वहीं से घर जाएगी। हाँ। अरे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, चलो चलो फटाफट चल रहे। शांति कभी तूने जिंदगी में वन पीस पहने? नहीं, मतलब इतना वाला नीस के नीचे होता है वो? नहीं नहीं कभी नहीं पहना। लॉन्ग ड्रेस हकीकत में कभी नहीं पहना। चल ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पहले इसको जल्दी वन पीस पहनाते हैं, ठीक है? सरप्राइज मारेगा इसका पति। नहीं नहीं वो कुछ नहीं कहते, पहना दे शांति। तेरा दिल है? नहीं पहनूंगी। राजा रानी को भी नहलाएंगे वहाँ, ठीक है? जूस का हाल दिखाई कैसा हो गया? ये क्या चीज है? अरे जूस ना हमेशा ही ना मुझे लगता है ताजा पी लेना चाहिए एंड टू एंड। और ये ना कलर है इसका, ये नेचुरल कलर है, असली जूस है। ये जूस है वो कलर है, मतलब इतनी धूप पड़ रही है जूस का भी जूस निकल गया। राजा रानी आज तो फुल पानी में मस्ती, फुल पानी में मस्ती। ब्लू है पानी, पानी पानी पानी, इसकी आंखें भी है ब्लू है रानी, रानी इसकी आंखें भी ब्लू है, इसकी आंखें प्यारी है ना। सुनो इस बार ना गाड़ी थोड़ा ध्यान से पार्क करेंगे भैया, गाड़ी खोल के नहीं रखेंगे, इस बार रिस्क नहीं ले सकती और पानी में नहीं खड़ा करेंगे। हर बार सेम थोड़ी होता है यार। नहीं एक बार हो चुका है ना, दिल में वो चीज बैठ चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में होती है। बिठा भाई लड़की को, ध्यान से बैठियो। दिन मजा आया था, लहंगा पहना था। हाँ बहुत अच्छा लगा। तो तू क्यों टेंशन ले रही है, हम कर रहे हैं तैयार। दुनिया की सोच बड़ी होनी चाहिए, तेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कहेंगे। देखो एक बार पूछ के देख लियो, जो वन पीस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, हर चीज के अलग अलग तरीका होता है पहनने का, तो पहनेगी ना सुंदर लगेगी। वैसे भी इसकी पायल हाइट जैसी है ना, तो बच्ची जैसी लगेगी। पायल ले लेता ना, पायल दूध रह गया था, मैंने कहा से दुकान से ले कर देती हूं, मैं दुकान वाले भाभी को बोल बाहर आके दे देगी। हां जी भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, एक सेल्फी लेनी है आपके साथ। कोई बात नहीं, सेल्फी के लिए घर आना भैया। बहुत बड़े फैन हैं आपके। अरे रुलाओगे क्या पगली? तो शांति जा रही है अपने घर, क्योंकि उसका घर रास्ते में पड़ता है, उसके हस्बैंड का कॉल आ गया था, उसे कुछ काम है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो गाइस एक जबरदस्त शॉट दिखाने वालों यहाँ का, मतलब नेचर और मतलब कि यहाँ मतलब ये वाला जो वेदर है ना यहाँ की जो लोकेलिटी है ये आज से 20 साल पुरानी है और बहुत ही सुकून है, शांति है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। क्या भैया ड्रोन ना यहाँ पे आ गया था, थोड़ा डर तो लगता है, ये बहुत अच्छा चलाती है। देखो गंडासा हमने चलाया था पार हरियाणा में ना, गंडासा। तो भैया यहाँ पर अभी चाय वाय का प्रबंध होगा फुल तरीके से, और रानी राजा फुल खेल रहे हैं यहाँ पर। हमने छोड़ दिया इनको खुला कि जाते हुए लेके जाएंगे इनको और सारी टीम पानी के अंदर। तो भैया यहाँ पर चाय के मजे लिए जा रहे हैं और यहाँ पे चाय बनेगी एक ड्रोन शॉट के साथ, वो भी चेक कर लो फिर बात। अरे
ही जाते हैं ऐसी खेल खेल के आ जाएगी उनको पता है रजनीश भाई फोन खराब हो जाएगा तुम्हारा लगता है तुम्हें सारी तेरी भाई देन है तो मेरी क्या देन है मैंने थोड़ी क्या उसको कि भाई फोन लेके जा अंदर वो कहते नहीं बेल लगाना नशा हाँ नशा मैंने लगाया हाँ तो वहाँ पर सैफू के पीछे आतंक मचा रखा है देख रहे हो राजा रानी शायद जिस जिसको दिख रहा ना कमेंट में बताना कि आतंक चल रहा है इन दोनों का ये देख रहे हो फुल आतंक भाभी गलत लिया तुम इसको नहीं बट वो भी फुल एक्टिव है वो पूरा आगे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो मैडम चाय कितनी देर में बन जाएगी बस वो बन गई पापा हाँ जी मीठा नितिन बाहर भी आ जाए पूरे देर से अंदर ही रहेगा क्या नितिन अंदर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है लड़का देख रहे हो और चीकू भी चीकू गिर जाएगा क्या हुआ चीनी ज्यादा है चीनी समझ नहीं आ रही है कम है के जाना है भाभी एक काम करेंगे अगली बार किसी का बर्थडे होगा ना हम यही बनाएंगे ओपन एयर बर्थडे वो क्या हो गया क्या हो गया पायल बच गई ध्यान से बच गई यार पायल यार ओहो ये तो कैमरे में कैप्चर हो गया भैया हाँ पकड़ी सरदार जी चोरी का ब्याह है मेरे ब्याह में हो जाता कर हाँ ये पूरा बाल जल गए ओम वो चीनी दे दे रुक जाओ देर दिखाई बोले हाथ वो दिखा इस पे नहीं लगा इस पे लगा यार बाल जल गए हाथ के बाल जल गए तो कैमरे में ना पूरा कैप्चर हुआ है ये वाला सीन मतलब ये लगा लो सिलेंडर फट भी सकता था पहले बता तेरे को मेरी हो जाती शादी है टेंशन मत ले बहुत लोगों की दुआएं हैं तुझे कुछ नहीं होगा ₹10 चाय हां जी नमकीन की आवाज मारो फटाफट मैं असल डब्बे पे काम करती रही हूँ कि बस अड्डे पे काम करती रही हूँ हद नहीं करती हो तुम अबे चाय वाले आ जाओ चाय वाले गिलास से डाल रहे हैं चाय वाला थैंक यू ले लो ना चाय प्लीज जिसको लेनी है गरम यार ले लो भाई मैं ऐसी चाय दूंगा फिर आ जाना यहीं आ जाना आराम से यहाँ बैठ के चाय पी रहे तो भैया मैं तो यहीं बैठ के चाय वाय पी रहा हूँ चीकू देख रहे हो राजा को छोड़ ही नहीं रहा के साथ नहाना शुरू करते हैं अपने अंदाज में आओ यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मौन होगा हमारा कि अच्छे से कुशल मंगल रहे बीवियाँ उसके लिए परमात्मा से प्रे करेंगे अभी अभी मैं बची हूँ ना हाँ देखो ये बिल्कुल सत्य बात है ये लोगों का आप लोगों का प्यार है कि पायल जलते जलते पायल क्या सारे थे आस पास जितने लोग भी थे मैं और रीत बैठे थे बिल्कुल पास में ये लोग थे तो गाइस बहुत ही हबड़ दबड़ हो गई है बारिश आ गई है बाहर मौसम पूरा देख लो क्या मौसम हो गया सब फटाक से कपड़े वपड़े पहन के पायल और पहुंच गए पायल हाँ हमने तो अपने कपड़े चेंज करके आराम से फटाफट गाड़ी में बैठे आप लोग भीग गए ना हाँ। बहुत तेजी में करम नहीं बारिश का आना बनता भी था इतनी गर्मी थी थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी जो अपने हेल्पर जो काम कर देना उनके लिए बहुत ही आसानी होगी और खेतों में भी बहुत जरूरी था इस टाइम सूखा पड़ा हुआ था बिल्कुल सूखा हुआ था क्यों कनक कट गई थी और अब पानी की बहुत जरूरत है वहाँ पर बहुत ही तेजी से बारिश आ गई कितना प्यारा मौसम हो गया गुड्डू जब हम आए होते तब होता ना कि यार मेरा मन वैसे तो कर रहा है बाहर जाने का पर जा नहीं सकती यार फुल आवाज गाड़ियों में कितनी आ रही पानी कुदरत को सब पता होता है कब बारिश की जरूरत है लोगों को कब धूप की जरूरत है मतलब कुदरत तो कुदरत है यार कुदरत के सामने किसी के नहीं चलते कुदरत ऐसी है मतलब यहाँ पर बारिश की एक बूंद भी नहीं है और रास्ते में यहाँ से 8 किलोमीटर इतनी जबरदस्त बारिश है कि क्या बताऊँ आपने देख ही लिया होगा तो भैया गद्दे वद्दे आ गए ट्रैकिंग के लिए और आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं सुबह मेरा शूट है टाइम से निकलना तो टाइम से सोएंगे तो ज़बरदस्त गाने रिपीट पे रिपीट आने वाले वेट एंड वॉच लव यू बाय बाय